अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन का सेकंड बार। उसके अंदर हम करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम ये वाला पार्ट इसका करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमारे पास डेसिमल का कोई भी नंबर दिया गया होगा, जैसा कि ये हमारे पास दिया गया है, हमने इसको 16 पे डिवाइड करना है। और जब हम इसको 16 पे डिवाइड करते जाएंगे तब तक करेंगे जब तक कि हमारा क्वेश्चन जीरो ना आ जाए। क्वेश्चन जीरो आ गया, ठीक है, हमने इसको 16 पे डिवाइड कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हम इसको डाउन से अपवर्ड की तरह लिखेंगे। और जब हम हेक्साडेसिमल की नंबरिंग लिखते हैं, इसकी कन्वर्जन लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम 10 से लेकर 15 तक हम इसको अल्फाबेटिकली शो करते हैं ए बी सी डी ई एफ से। और ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू हमारे पास ये है, ए की 10 है, बी की 11 है, सी की 12 है, डी की 13 है, ई की 14 है और एफ की 15 है। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज हैं। और इसको काउंट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो बिल्कुल ये सिंपल सा आंसर आता है। इसके बाद हमारे पास है कि हम किस तरह हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी जो मेथड है पिछला सेम मेथड है जो हम पिछले कन्वर्जन कर चुके हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास कोई भी वर्ड दिया गया होगा, जैसा कि ये हमारे पास दिया गया है, तो हमने इसको 16 पे डिवाइड करना है। जब हम इसको 16 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और सॉरी 16 पे इसको डिवाइड नहीं करना, हमने इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1 को। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम सी को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा, फिर 9 को करेंगे, ठीक है। इस तरह हम 1 को भी 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब हम इस सब को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे तो हमने क्या करना है कि हमने लेफ्ट टू यहां राइट की तरफ हमने इसकी पावर लेनी है। सबसे पहले हम 0 पावर लेंगे 16 की, फिर हम 1 लेंगे, फिर हम 2 लेंगे, फिर हम 3 लेंगे। ऑनवर्ड जितने भी इस तरफ आते जाएंगे हम उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे। अब हमने इसको पावर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये वाला आंसर आया। ठीक है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया ये, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये, यानी कि स्केयर लिया और 16 का क्यूब लिया तो हमारे पास ये आंसर आया। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, तमाम आंसर को हमने जो वर्ड इससे मल्टीप्लाई हो रहे थे, जैसा कि ये सी था इसको हम 12 शो करते हैं, फिर 9 है, फिर 2 है, फिर 1 है, हमने क्या करना है कि इसको इनसे मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो हमारे पास ये बिल्कुल सिंपल आंसर आएगा, हमने इसका ये सिंपल आंसर लेना है। नेक्स्ट के अंदर हमारा एक टॉपिक रह गया, ठीक है, वो कन्वर्जन हम देखेंगे, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें।